ज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं पॉइंट तरीके से फॉर योर प्रम्स एग्जामिनेशन राइट चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं हम विच इज वाइब्रेंट विज प्रोग्राम राइट ये एक रिसेंट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ है अभी इन दॉर्डर विलेज ऑफ किबीथू इन अरुणाचल प्रदेश कीबिथु को हम लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ईस्टर्न मोस्ट जो प्लेस है इंडिया की वो किबिथु विलेज है राइट और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम बेसिकली ये वाला जो प्रोग्राम है इट कवर्स विलेजेस अराउंड द इंडो चाइना बॉर्डर राइट इंडिया और चाइना के बॉर्डर जो के अराउंड जितनी विलेजेस पड़ती हैं ये वाला प्रोग्राम उन विलेज को कवर करेगा अगेन एक मल्टी फैसिलिटिड अप्रोच है डेवलपमेंट बेस्ड अप्रोच है और इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जैसे कि एक एक इसमें एस्पेक्ट है कि वन विलेज वन प्रोडक्ट जो है वो भी इसके अंदर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्च हुआ है ये किबिथू के अंदर राइट अब हम देखेंगे हम कि बिथू विलेज के बारे में भी देखेंगे कि बिथू के पास से जो रिवर निकल रही है वो भी देख लेते हैं और ये प्रोग्राम क्या है वो भी देख लेते हैं और इसके साथ में आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी अगर आ रही है तो कूडोस डन अगर आ रही है दैट दी एडीपी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना जो कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान के अंदर आया था है ना तो वो भी इसके जैसा ही है लेकिन उसमें माइन्यूट सा फर्क है फर्क तो काफी है लेकिन उसमें एक जो माइन्यूट बी एडीपी है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इट कवर्स ऑल बॉर्डर्स ये वाला जो प्रोग्राम है इट कवर्स इंडो चाइना है ना सबसे मेजर आपका डिफरेंस तो यही है चलिए आगे चलते हैं थोड़ा शुरू करते हैं इसको यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च दी वाइब्रेंट वीवीपीट विलेज प्रोग्राम इन दी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश इट एम्स टू बूस्ट डेवलपमेंट इन दिसज इन दिसजेस टू प्रीवेंट माइग्रेशन एंड दस बुस्टिंग सिक्योरिटी इन बॉर्डर विलेजेस कौन सी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं ये आउट माइग्रेशन की बात कर रहे हैं राइट कि विजेस के अंदर थ्रू लोग बाहर जाते जा रहे हैं विलेजेस खाली हो जाती है लोकल एरिया को पहचानने वाले लोग कम हो जाते हैं है ना तो उस सबको अवॉइड करने के लिए वहीं पर डेवलपमेंट दी जाएगी तो so, वो ये प्रोग्राम है राइट right? अगर आपको वन वर्ड में कहीं लिखना हो या कोई पूछे या कहीं पे मेंशन करना हो तो दिस इज द मेन मुद्दा पूरे के अंदर क्यों टू प्रिवेंट माइग्रेशन बाय बूस्टिंग डेवलपमेंट ठीक है जी ये है इसका मेन मुद्दा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ठीक है मतलब कुछ पार्ट सेंटर पे करेगी कुछ पार्ट स्टेट पे करेगी वो कितना कितना है आपको पता है ऑलरेडी राइट right? तो मैं अभी मैंशन नहीं कर रहा हूं उसको Uh, अगर नहीं पता है तो अपने लेवल पे रिसर्च मारिए आई थिंक क्लास में भी किसी ने डिस्कस किया था यह कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और ये सारी स्कीम्स का क्या मतलब है तो इसमें बताने में बहुत आसानी से बताया जा सकता है चार्ट वगैरह बना के लेकिन uh, फ़ायदा यही रहता है कि आप एक बार ही अपने लेवल पर रिसर्च मारो आपको समझ में आएगा uh, साथ में स्कीम्स के नाम पढ़ोगे आपकी अच्छा कि ये चार पाँच स्कीमें ये इस अमरेला के अंडर है राइट क्योंकि स्कीम्स को अम्बरेला के अंदर डाला जाता है कि अच्छा ये अम्बरेला इस ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है

विद दिस स्कीम बी ए डी पी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है इट विल प्रमोट सोशल एंटरप्रीनरशिप एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट अगेन जब हमने यही बोल दिया कि डेवलपमेंट बूस्ट होगी तो उसके बाद में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी है ना कि हम स्किल डेवलपमेंट कर देंगे हम सड़क बना देंगे हम इंफ्रा लेके आएंगे ये सब डेवलपमेंट की डेफिनेशन वही बेसिक की है अल्टीमेटली आपको वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना है राइट तो सब कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम बाय द वे दिस इज द एंट्री टू दैट विलेज की भी और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट इंडियन विलेज है ना और ये बी का है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को बहुत फ़ायदा किया है इसने ऐसी ऐसी जगह पे सड़क सड़कें बना के दी हैं जहाँ पे इमेजिन करना भी मुश्किल था राइट चलिए इट इंटेंड्स टू लेवरेज टूरिज्म थ्रू प्रमोशन ऑफ लोकल कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज एंड हेरिटेज इन बॉर्डर एरियाज ठीक है इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ये वही मैं डेवलपमेंट की आपको चीजें बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट कैसे कैसे करना चाह रहे हैं वो डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इको एग्री बिजनेसिस ठीक है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ वन विज वन प्रोडक्ट थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव एस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रिपेयर एक्शन प्लान विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत फॉर द एडेंटिफाइड विलेजेज टू एंश्योर हंड्रेड परसेंट मर्जर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स क्योंकि मैंने बताया जैसे एक स्कीम तो मैंने आपको सीधे सीधा बताई दी है कि बी ए डी पी जो है वो डायरेक्टली सेम सा काम कर ही रही है अदर देन देट बहुत सारी हमारी प्रोजेक्ट हैं जो इसके अंदर चल रहे हैं राइट चलिए तो ये वो बोल रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत को इंक्लूड करेंगे लोकल लोगों को इंक्लूड करेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है ना ये जो मैं आपको बता रहा था कि वी वी पी वर्सिज बी ए डी पी अनलाइक वी वी पी विच इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू विजेस एट द इंडो चाइना बॉर्डर बी ए डी पी कवर्स ऑल दिलेजेस एट इंटरनेशनल बॉर्डर ठीक है बी ए डी पी हैज कवरेज ऑफ सोलह स्टेट्स बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टू यूटीज वेर एज वी वी पी कवर्स फोर स्टेट्स इन वन यूटी मैंने आपको अभी दिखाया था कौन कौन सी स्टेट्स है वो वी हैव सिक्किम वी हैव अरुणाचल देन वी हैव उत्तराखंड देन वी हैव हिमाचल ये होगी चार स्टेट्स और एक यूटी कौन सी है हमारी लद्दाख विलेज विलेज जो पहली विलेज इसके अंदर वीवीपी के अंदर सिलेक्ट हुई है ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर इट लाइज ऑन दी राइट बैंक ऑफ द लोहित रिवर लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र राइट एलिवेशन की जरूरत नहीं है द मेयर स्ट्राइब या मेयर स्ट्राइब है ना फॉर्म बल्क ऑफ इट्स पॉपुलेशन ये जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है इनमें से शायद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके जो पीसीएस वगैरह होते हैं उसके अंदर ये पूछे जा सकते हैं एलिवेशन है शायद ना पूछा जाए लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछा जा सकता है कि मेजर ट्राइब कौन सी अगेन तीन स्टेटमेंट्स चौथी गलत डाल देंगे लोहित रिवर देख लेते हैं इट इज दस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर राइट और का है इसका तिरप फांसी रेंजेस लोकेटेड इन ईस्टर्न तिब्बत इट एंटर्स इंडिया वाया अबिथू विलेज लाइंग एट दी बॉर्डर पोस्ट इन अरुणाचल ठीक है इंडिया में ऊपर चाइना की तरफ से तिब्बत की तरफ से घूम के आती है और किबिथू के थ्रू ही इंडिया में एंटर करती है द रिवर आफ्टर एंटरिंग द कंट्री ट्रेवल्स थ्रू मिशमी हिल्स ऑफ अंजा डिस्ट्रिक्ट एंड देन मूव टूवर्ड्स थ्रू टूवर्ड्स लोहित डिस्ट्रिक्ट ठीक है जी रिवर की बात कर रहे हैं हम द रिवर ट्रेवल्स ऑल अलांग फ्रॉम तिब्बत टू अरुणाचल प्रदेश फॉर अबाउट टू हंड्रेड किलोमीटर्स बिफोर मर्जिंग इन टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन असाम ठीक है ये भी याद रखना है कि मर्ज शाम में कर रही है एंटर वो कहां से कर रही है आपका विलेज से एक शॉर्ट नोट हम बीएडीपी के ऊपर भी देख लेते हैं द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बीएडीपी स्टार्टेड ड्यूरिंग दी सेवंथ फाइव ईयर प्लान जैसे मैंने आपको बताया सेवंथ फाइव ईयर प्लान के दौरान का ये फिनला है विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अब देखो ध्यान देखना है यहां कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगी नंबर वन बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिव बॉर्डर एरिया वही चीज मैं बोल रहा था कि आपने इंफ्रा देना है वहां पे है ना और इस टाइप की चीज देनी है इन, इन, मतलब कंस्ट्रक्शन टाइप डेवलपमेंट दूसरा एंड प्रमोशन ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग लोकल पॉपुलेशन ठीक है आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोगे और साथ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है अगेन इसका भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक तो सिक्योरिटी मेंटेन रहे वहाँ पे और विलेजेस खाली ना हो हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वो भरे रहें ऑल द टाइम वहाँ पे लोग रहें और डरे ना तो ये है इसका मेन मकसद जो है इट वॉज लॉन्च इन दर नाइनटीन एटी सिक्स राइट फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान ये लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के बॉर्डर्स के लिए है ना कहां पे जम्मू कश्मीर और इसमें जम्मू कश्मीर पंजाब गुजरात राजस्थान एंड सब्सिक्वेंटली इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल लैंड बॉर्डर्स ठीक है उसके बाद में जितने भी लैंड बॉर्डर्स है ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड हो गया ये वाली जो स्कीम है वीवीपी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये शुरू हुआ इंडो चाइना में और मे बी इन इन कमिंग टाइम बाकी जगह पे आ जाए बेस्ड ऑन सक्सेस पहली विलेज के भी थ्रू है दैट इज ऑल इन टूडे टॉपिक माय नेम इज रोहित गर्चा थैंक्स फॉर वाचिंग एंड दिस इज अभिमन्यू आई